प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मीय आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। गुरुंद्र ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण नोट्स लेके आए हुए हैं। चलिए समझ लेते हुए स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है प्रेम चंद की संवेदना का प्रमुख आधार है भोजपुरी जनपद। ठीक, प्रोफेसर चंद्रदेव यादव की यह कथन है। प्रेमचंद्र की संवेदना का प्रमुख आधार है भोजपुरी जनपद। भोजपुरी अध्ययन केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के राहु सभागार में प्रेमचंद्र और भोजपुरी जनपद, प्रेमचंद्र और भोजपुरी जनपद विषय पर, प्रेमचंद्र और भोजपुरी जनपद विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जमिया मिलिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर चंद्रदेव यादव थे, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मुक्ता ने किया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर गुरुचरण सिंह तथा प्रोफेसर निरंजन सहाय थे। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रोफेसर चंद्रदेव यादव ने कहा कि प्रेमचंद्र एक सजग लेखक हैं। भोजपुरी की चेतना के अनुसार साहस, वीरता और मिलनसारिता उनके यहाँ मौजूद है। उनके यहाँ भोजपुरी का समाज नहीं है, चरित्र भी है, चरित्र भी है, समाज नहीं, चरित्र भी है। प्रेमचंद के उर्दू और हिंदी के उपन्यासों में कभी कभी अलग अग भाषा की नहीं बल्कि चरित्र भी दिखाई देते हैं, लेकिन आधार भोजपुरी समाज होता है, आधार भोजपुरी समाज होता है। उनके यहाँ कहानी बिल्कुल यथार्थ नहीं होती है बल्कि यथार्थ को निर्मित करती है। प्रेमचंद ने अपनी भाषा और भाव के दायरे में जिस यथार्थ को निर्मित करते हैं वह भोजपुरी जनपद का यथार्थ होता है, भोजपुरी जनपद का यथार्थ है, यथार्थ है। प्रेमचंद भले अवध में रहें लेकिन उनकी सोच और संवेदना भोजपुरी की है, भोजपुरी की है। भोजपुरी और अवधी अपनी भाषा में भले अलग हैं लेकिन जो संस्कृति और सोच में एक ही है दोनों। ठीक, भोजपुरी और अवधी अपनी भाषा में भले अलग हैं लेकिन संस्कृति और सोच में एक ही है। इस क्रम में प्रोफेसर चंद्रदेव यादव ने भोजपुरी में लिखी अपनी कविताओं का पाठ भी किया। वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर मुक्ता ने अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए कहा कि आज के समय में जबकि नए नए खतरे सामने दिखाई देते हैं उसमें प्रेमचंद्र को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सामाजिक जीवन की गहराइयों से प्रेमचंद बहुत परिचित हैं और वह जिस समाज की बात कर रहे थे वह भोजपुरी समाज है, भोजपुरी समाज है। प्रेमचंद के उपन्यासों में जो स्त्रियां बात करती हैं वह भोजपुरी है, भोजपुरी है, क्योंकि स्त्रियां जो गालियां देती हैं या गालियां दे रही हैं वह भोजपुरी की है, भोजपुरी की है। उन्होंने कहा कि भावुकता व विस्थापन के जो रूप प्रेमचंद के यहाँ मिलता है वह भोजपुरी जनपद का प्रभाव है, भोजपुरी जनपद का प्रभाव है। एस पी जैन कॉलेज सासाराम के प्रोफेसर प्राचार्य गुरुचरण सिंह ने कहा कि नामवर सिंह ने एक संगोष्ठी में कहा था कि उत्तर
भारत के संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू और भोजपुरी थी। प्रेमचंद के साहित्य में ये तीनों भाषाएं एक साथ मिलती है, मतलब हिंदी, उर्दू और भोजपुरी का समन्वय सार अगर देखा जाए तो प्रेमचंद जी की कथा, कहानी, उपन्यास में मिलती है। ठीक, प्रायः कोई भी लेखक अपने समाज से अलग रहकर अपना साहित्य सृजन नहीं कर सकता है। प्रेमचंद्र के साहित्य में भाषा चाहे खड़ी बोली हो, लेकिन समाज और संस्कृति भोजपुरी की है। जिस तरह के प्रतिरोधी चरित्र खड़ा करते हैं वह भोजपुरी का है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कृतियों में भोजपुरी की बात कही है। काशी विद्यापीठ के हिंदी विभाग के प्राचार्य प्रोफेसर निरंजन सहाय ने कहा कि भारत की जाति व्यवस्था और अंतर विरोध को प्रेम ने बहुत मजबूती से अपने प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में दर्ज किया है। काशी विद्यापीठ के हिंदी विभाग के आचार्य प्रोफेसर निरंजन ने कहा कि भारत की जाति व्यवस्था और उसके अंतर विरोधियों को प्रेमचंद ने बहुत मजबूती से अपने उपन्यासों में दर्ज किया है। प्रेम के निजी जीवन का एक बड़ा भाग भोजपुरी जनपद से जुड़ा हुआ है। प्रेमचंद ने न सिर्फ अध्ययन किया है बल्कि बहुत समय तो अध्यापन भी किया है। इस दौरान वक्ता ने प्रेम के मास्टर जीवन से जुड़ी हुई बातों पर अपना विचार साझा किया। केंद्र के शोध छात्र दिवाकर तिवारी ने कहा कि प्रेमचंद के कथा साहित्य को किसी खास अंचल या जनपदी पृष्ठभूमि में देखना कठिन है, लेकिन जब हम उनके कथा के यथार्थ और भाषाई चेतना को देखते हैं तो आंचलिकता स्पष्ट हो जाती है। ठीक, केंद्र के शोध छात्र आर्य पुत्र दीपक ने कहा कि किसानों के शोषण की समझ प्रेमचंद को भोजपुरी जनपद से मिली है या मिलती है। वे प्रेम के सामाजिक स्वीकार के लेखक है, प्रेम के सामाजिक स्वीकार के लेखक है, जहाँ स्त्रीय चेतना प्रमुखता से मौजूद है। इससे पहले केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि प्रेमचंद भोजपुरी जनपद की जीवंत प्राण धारा के मूर्तिमान रूप हैं। प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि प्रेमचंद भोजपुरी जनपद की जीवंत प्राण धारा के मूर्तिमान रूप हैं। उनके यहाँ जन्मभूमि और संस्कृति के रूप में पूरा जनपद मौजूद है, जन्मभूमि और संस्कृति के रूप में। लेकिन यह देखना जरूरी है कि प्रेमचंद की रचनाओं में भोजपुरी के संदर्भ किस तरह से आते हैं। प्रोफेसर शुक्ल ने कहा कि लाठी का स्वाभिमान और गमछे की सादगी से प्रेमचंद का साहित्य बनता है, जो भोजपुरी संस्कृति की देन है। जब हम संस्कृति मतलब सांस्कृतिक बोध की बात करते हैं, सांस्कृतिक बोध की बात करते हैं, तो भोजपुरी जनपद की चिंताओं की भी बात करते हैं। प्रेमचंद के तीन उपन्यास रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान की प्रमुख समस्याओं का संबंध मध्यवर्गीय जीवन से जुड़ता है, और वह मध्यवर्गीय जीवन की समस्याएं प्रेमचंद के भोजपुरी समाज की समस्याएं हैं, भोजपुरी समाज की समस्याएं हैं। आज के कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर चंपा सिंह ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन राकेश पांडे ने किया। सभार मतलब दिवाकर तिवारी। तो प्यारे मित्रों, यह मुंशी प्रेमचंद से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है, और जो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ आलोचक, वरिष्ठ कहानीकार एवं वरिष्ठ कवियों की वक्तव्य निधि है, यहाँ पर
मैं अपने दिव्यांग और दृष्टि बाधित विद्यार्थी भाइयों के लिए रिकॉर्ड किया। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लेते हैं विश्राम।